सौ से भी ऊपर टापू, एक कच्छ जो था ना, कच्छप नाम का टापू, कच्छप ये भी टापू, एक भुजंग नाम का शिखर भी है, भुजियाडूंगा। तो इसके अंदर इतने सारे नाग है, अगर उसमें से नाग निकल पड़े ना, चाइना को तो पहला खा जाए, चाइना को पहला खा जाए। बेतिया नाग है, इतना बेद भर के। अच्छा, गढ़िया नाग बोले, गढ़िया, ये गढ़ बना के रहते हैं, गढ़ बना के, गढ़ के अंदर, जैसे नागों की प्रजाति। तो ये तो नाग भी मर्यादा में रहते हैं, नाग भी मर्यादा खो दे हुए तो पूरा पृथ्वी खत्म हो जाएगा, क्योंकि नाग जरूरी भी है। अपने शरीर के अंदर भी नाग नाम का प्राण है। हाँ, नाग प्राण, उप्राण है बापू। क्योंकि अगर इसमें शरीर के अंदर जितने भी दूषित वायु होती है उसको वो ग्रहण करता है और एकदम शुद्ध बना देता है। और कुंडलिनी महाशक्ति वो नाग स्वरूप ही है ना, कुंडलिनी महाशक्ति। ये भी गिरनार में बताया है उसने, अनंत राय जी ने जो है ना उसका क्या व्याख्यान किया है, बढ़िया किया है, अध्ययन किया कि जो है ना नाभि स्थान के अंदर में जो मुख्य सर्पिणी शक्ति है, और जो मुक्तानंद जी ने लिखा है चिति शक्ति विलास, आपने अध्ययन किया, कितना बढ़िया व्याख्या कर दिया। इसके चार स्वरूप बताए गए, रक्तेश्वरी है, नीलेश्वरी है, उनके नाम दिए हैं। तो साधना तो सभी कर सकते हैं, सभी के अंदर में ऐसी इच्छा शक्ति भरी पड़ी हो तो सर्वशक्ति में से महान शक्ति का नाम इच्छा शक्ति है। अपने अंदर ऐसा इच्छुक है योगी बनने के तो निकल पड़े हो सकते हो, उसमें कोई भी योग साधना के लिए तत्पर हो जाए। हम सबसे पहले कश्मीरी बाबा से मिले यहाँ आके 35-35 साल पे। कश्मीरी बाबा बोलते हैं शेर के बच्चे हो, सिंह के बच्चे, ऐसे ही कहाँ भटक रहे हो, बोले आ जाओ मैदान में, यहाँ भजन करो। तो हमने कहा हम भजन ही कर रहे हैं महाराज। तो फिर उनके कहने का अर्थ ये था कि योगी होता है वो सिंह से कोई कम नहीं होता। सिख लोग नहीं लगाते हैं सिंह, तो सिंह जैसे दिखते हैं नरसिंह के जैसे रूप ऐसा होता है, वो असल में नरसिंह के उपासक है सभी लोग, कोई मंगल के उपासक, कोई गुरु के उपासक, ऐसे सब उपासना तो कर रहे हैं, जाने अनजाने में सभी उसी की भक्ति कर रहे हैं। तो सभी की भक्ति करने का अलग अलग माध्यम है। तो भक्ति जो है वो नारी जाति है और उसी से उत्पन्न है कौन, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति मात्र ज्ञान और वैराग्य, तो ये पुरुष प्रधान। अपने पंडित जी ने, हम लोगों ने एक बार चर्चा चल रही थी, पंडित जी गहन मानस मर्मज्ञ हैं, मानस की अंदर के एक एक शब्द के ऊपर वो लोग विश्लेषण करते हैं। तो बोले तुलसीदास जी ने कितने नारी है और कौन कौन पुरुष है ये सब बताया। तो जरा सा इनसे सत्संग सुने।